न्यू बोलिया रे सुन मोती बे मान चूरे करे घना कुमार सुन मोती बेरी तू कर रहा घना कुमार तू देश होया परेशान सब हो रे से घना गुमान के तू तो इस लोकतंत्र में 5 साल के लिए चुना हुआ एक नेता है जिनके रियासती राज थे उन नबी राज हट गया था वो गार तो है ये रियाया तेरे खिलाफ इस आंदोलन में किस लिए है कि तीन तेरी नीतियों में खोट है तू बड़ा कुछ करता लोग ने सोचा भाई देश का भला करेगा तन्ने जित आगे लाए लेकिन तना वो चीज करी नहीं अब भी वक्त है मान जा ना तो जिस तरह से आंदोलन एक बड़ा रूप ले रहा है कल जब ये जनता अंगड़ाई लेगी तो कदे तो टोए अभी ना पाओगे बोला तू के क्या करता क्या कहा गांव से जिनका ये स्टूडियो
वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा है, VSF विजेंद्र सिंह खोजी के नाम से चैनल है। 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। निंदाणा गांव से हमारे बड़े भाई बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, भाई काला निंदाणा जी 100 रुपए से मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं। छपार गाँव से रणवीर जी हमारे बुजुर्ग हैं, अपने बच्चों को 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, इनका हम बार बार धन्यवाद करते हैं। बोला ना सपने दिखाए थे तने, अगले दिन बदलेंगे भारत के, वो बदले एक बार बदले के ना बदले बदले का इतने बदते बदतर आ गए, इसने आ रहा था बदला गया था ना से जागा इस तरह का ना बदला भी है कि इस देश का अंदाता आज सड़कों की खाक छान रहा है। इस तरह बुत्ती दिन बदल नहीं सकते, इस तरह बुत्ती आमदनी को बदलने भी ना चाहिए। हरपाल सिंह जी चेयरमैन साहब छपार गांव से 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। दूसरा नंबर है, गौर करियो, आज जब तक ये प्रचार करे ना ये मीडिया खरीद के जुड़सी रैली वह मीडिया ने कवर करी, अगर वो सारा देश तक गेला लाग रहा भेड़ चाल में लागते चले गए। मेरे बड़े भाई भाई धर्मेंद्र सिंह जी छपार गांव से अग्रणीय भूमिका में है, आंदोलन की इकाई के सदस्य हैं, 100 रुपए से मान सम्मान हौसला अफजाई करते धर्मेंद्र भाई साहब का बार बार धन्यवाद है। तेरे तेरे सपने का बड़ा कम उद्देश्य आ गया आज लोगों, ये प्रधान जी कह देना के बरगलाया जा रहा है लोगों को, झूठी मैगजीन नाम अखबार में छपवा गया कि देश की GDP विश्व में 11वां नंबर पर है। इब न्यूना बेरा लोग न्यू कौन कंधे का अतर ले लवा तो 11वां नंबर पे हुआ, निचला लवा जान लग रही है। देश के इतिहास में पहला टाइम है जब GDP दो अक्षराम गई माइनस में गई। इस देश में गुलामी का दौर के बाद आजादी से लेके आज तक इस राज से पहले GDP डाउन को रह गई, कमजोर होगी होगी बड़ी भी होगी पर तड़क को रह गई डबल डबल में, ये न्यू कड़ा जा रही है। ये भी बरगलाने लग रही है, गाने लग रही, वह विश्वास करा था कि यू के मत करेगा और के बेरा पट्टा रहा भाई कौन पे मैं भी कपूत की तजाम जा बेरा नहीं पट्टा करता, ये नहीं कहे देश का बेटा, फिर ये देश का नालायक बेटा लिख रहा क्या कहा। वह चोट खागा हम नहीं सुधरे या चोट खागा हम बदल गए एक हो गए या भी समझने की बात है। प्रधान जी कह देना के
बांटा जा रहा है लोगों को मंदिर मस्जिद के नाम पे, गिरजा घरों के नाम। जो राम भगवान हो, भगवान है तो फिर कणकण में है। अरे वो हमारे आदर्श हैं, जो आस्तिक लोग हैं उनकी अपनी आस्था है, ये बढ़ाओगे देश का लंगारो तो कौन है झंडे ठाठा गए ना इनका ऐसे साड़े के उड़े अयोध्या में कुछ आए दिए अब मंदिर बनावांगे ओड़े बसेगे राम राम तो सारे देश में बस आप बना लेंगे। पहले इस किसान ने इसका बहादे मजदूर ने काम मिलन दे, उसने एक कमाई में चला गया अगर दान चंदा था हम आप पे बना लेंगे। हमने जरूरत होगी तेरी क्या जरूरत शत्रु क्यों भोगा का पाण तांड वो प्रचार कुछ कम हुआ है जब ये आंदोलन चला ना थे तीन चार महीने थे भी रोज की पोस्ट में आया कर दी आज फलाने ने फलाना मार दिया धर्म का रोड़ा था आज फलाने ने फलाना मार दिया जात का रोड़ा था। दादरी कांड आप लुखान मरवाया गो तस्करी आड़ा बहाना लेके अरे पिछला प्रोग्राम में कर रहा था प्रधान जी बताओ थे वो उन्हें यार ऐसे साड़े के मिल कांड गो तस्करी के नाम पर वसूली भी करे थे इसे टोल पचड़ आड़े बैठे आंदोलन में कुछ का आंदोलनों को वर्तनाम भी किया जा रहा है शुक्र वो दीप संधु कर गया उड़े लाल के लिए बस सबने खबर में देखा फिर यूनाइट बंद कर दिया कि किसान एक दूसरे ताई मैसेज वायरल करें क्योंकि हमारे किसान नेता जगह जगह मुलाकात करने के लिए मीटिंग करने के लिए पहुंच रहे थे कि भाई इनके मैसेज ना पास हो नेट बंद कर दिए। अरे नेट अपनी जरूरत होगी आजकल पहले तो कोई नहीं थी यूनाइट बंद होया ना कई जने के तो ईशे मुंह हुए हैं नेट बिना ईशे हो रहे थे जनों अनाथ हो रहे क्यों ये फोन ले लिए बड़े बड़े इनका घरे का यार राग नहीं सुन लाया घरे बात आप गौर भी कर रहे पर मैं बीच का उसने भी देखे के नया आया पहले की पैड कहते थे यार काट दिया ये बड़े फोन तो नेट खातिर रखा चलाना ना जी नहीं करे वो देखे नेट और फुलटा इधर दे जानो पहले यू दूध दिया करदारी बना हट गया तो तीसरा नंबर है गौर करना हमारा हिंदुस्तानियों का चरित्र है भावुक जिसने जज्बाती कहेंगे हम जज्बाती हैं हमारे जज्बात के तारों को छेड़ा जाता है तो हम उतावड़े होते न्यूगा आ रहे देश में आतंकवाद फैल है काला धन लग गया है नोट बंद करूंगा लोग बढ़ते मार के सारा देश लेना चुड़से उस नोटबंदी के दौरान जो आदमी जितने बुजुर्गों की जान गई लाई नाम सैकड़ों का वाक्य मेरा न्यू बोला प्रचार करके डेढ़ डेढ़ लाख दूंगा काला धन जमा करा दो महिला भी किसी का घराड़ा दारू पी हुए बचा के धरी हुए भी बैंक काम फिर लेना मैं कढ़ा दिया चार चार हजार फिर वह पंद्रह पंद्रह से भी आई न्यू उम्मीद ठीक भाई पंद्रह पंद्रह से ही कढ़ा लिया फिर मोदी जी डेढ़ लाख देगा ब्योत के बनिया क्या कहा I'm gonna be
ये जो गाने का रूपांतरण आपने 23 मार्च 1931 शहीद भगत सिंह फिल्म में सुना, देश नु चलो, ये भगत सिंह का आदर्श गाना दिखाया गया। चलो बंबई आड़े थोड़ा मोडिफाई तो करें, लेकिन ये शब्द सरदार करतार सिंह सराभा ने गाए थे जब उनको क्रांति के लिए नौजवानों को विदेशों से एकत्रित करने के लिए भेजा गया, उनकी जिम्मेवारी लाई थी कि देश और विदेशी नौजवानों को गदरी क्रांति मिला। आज उस गदर क्रांति की फिर से जरूरत है। जब भगत सिंह ने करतार सिंह सराभा को आदर्श माना था, लोगों आज विदेशा था तो बेशक नहीं, गांव गली हर गांव से आज इस क्रांति माने की जरूरत है, क्योंकि वो साझा संघर्ष है। चौथी गली है, गौर करियो, जैसा न्यू एज चलेगा तो नाश निश्चित है, नाश हो करा हुआ ढाटी खड़ा। मेरे तो एक जना नहीं बोले पहले ये मोती ढाटी छोटी रह क्या करता, बुट्टी क्या तक रहे, महायु पाखंड का तरीका है क्या थे, मैं बंगाल में इलेक्शन आ रहे हैं बाबा टैगोर रखा करता बुड्ढी ढाडी, ईवी इलेक्शन में उसका रोल अदा करेगा। नहीं होगा बाबा टैगोर के श्लोक सुने हैं, ओमपुरी वाला डायलॉग अगर बाबा टैगोर के श्लोक सुने हैं, याद तो इस कभी को ना, ये प्रधान जी के धन के ये पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ और अनपढ़ के साथ मानसिक बीमार लोगों का एक समूह है जो भेड़ चाल में प्रचार करता है। उनका गेला कलाकार भी कई इलाके पाओ है, वही भी निर्बुद्धि उनकी बुद्धि मर चुकी है। दो ढाल के कलाकार हैं शौकिया पेशेवर, पेशेवर में फिर दो ढाल के, पेशेवर में एक मुर्दा कलाकार एक जिंदा, जिंदा कवि कलाकार की निशानी है समाज की सच्चाई लिखेगा। भाई ने भी लिखी, सीता नाम लेकर लिखी, क्यों लिखी, शिक्षक समाज से मास्टर प्रभुराम जी, अवेली खाप जी, अवेली खाप से 100 रुपए से मान सम्मान हौसला अफजाई करते मास्टर जी को बार बार धन्यवाद है। चौथा नंबर है, गौर करियो, इसे बोल ओ लिख सके है, मैंने एक जिक्र करा था ना, शर्मा बात आती रहेगी कि ये गर्म जले जले गर्म है, लेकिन हरियाणा पंजाब का खून में भी गर्मी है, क्रांति की गर्मी है, क्योंकि आप देख लो हरियाणा पंजाब यूपी सबके शहीद पाओगे आजादी का आंदोलन में, गुजरात का एक हो दो बता दियो सारे मुखबरी में पाऊंगे, ना आज है ना पल्या थे, क्या लिखा महाराज छोर ने लिखा, सब हो रे से परेशान, पूरा देश डरा।